रोहन के घर में चोरी हो जाती है। रोहन तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है। डिटेक्टिव जे रोहन से सामान के बारे में पूछता है तो रोहन बताता है घर में माँ के सोने के कंगन, बाली और कुछ गहने थे सर, सुबह ही वो चोरी हो गए। तुम्हारे यहाँ कौन कौन काम करता है? रोहन उसे अपने नौकरों के बारे में बताता है जो उस समय वहीं मौजूद थे। डिटेक्टिव जे उन सभी से एक एक करके बात करता है तो पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखी सारी फल खत्म हो गई थी, इसलिए मैं फल लेने सुबह बाजार गया था। चोरी किसने की मुझे नहीं पता सर। दूसरा नौकर बोला, मैं तो आम का जूस निकाल रहा था, शेर को हर सुबह आम का जूस चाहिए होता है ना, इसलिए चोरी किसने की मुझे नहीं पता सर, मैं बेगुनाह हूँ। तीसरा नौकर बोला, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था, मेरे को नहीं पता किसने चोरी की और कब की, मैं बेकसूर हूँ सर। डिटेक्टिव जे तीनों की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। पहला नौकर कह रहा है कि घर के सारे फल खत्म हो गए थे तो वो बाजार से फल लेने गया था, वहीं जब फल खत्म हो गए थे तो दूसरा वाला नौकर जूस कैसे बना रहा था, और तीसरे वाले की बात भी गौर करने लायक है, जब घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा। इसलिए ये गुत्थी को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव जे घर के पीछे वाले फलों के बगीचे में गया। यहाँ तो सचमुच फलों का बहुत बड़ा बगीचा है, लेकिन बगीचे में कोई फल भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी डिटेक्टिव जे को बगीचे में दो औरतें नजर आई। डिटेक्टिव जे ने उन दोनों औरतों से बात की तो पहली वाली औरत बोली, साहब कल रात बहुत तेज बारिश हुई और बहुत आंधी भी आई थी, इसलिए सभी पेड़ों की पत्ती इधर उधर गिर गई, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी वाली औरत बोली, मैं तो सिर्फ आम के पत्ते लेने आई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहेब। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि कौन सा नौकर झूठ बोल रहा था। तीसरा वाला नौकर कह रहा था कि वो पेड़ों को पानी दे रहा था, लेकिन अभी तो औरत ने बताया कि कल रात बहुत तेज बारिश हुई है, तो फिर वो इतनी बारिश के बाद पेड़ों को पानी कैसे दे सकता है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जे उसे पकड़ लेता है और उसको एक तेज चांटा मारता है, वो अब सच सच बोलने लगता है। मेरी साथ पहले वाले नौकर भी मिला हुआ ही, और कौन कौन है तुम्हारे साथ और चोरी का सामान कहाँ है? तो वो नौकर कहता है कि उनके साथ एक और आदमी मिला हुआ है जो उनके साथ मिला हुआ था और चोरी करके सारा सामान बाला ज्वेलर्स में ले गया। डिटेक्टिव जे तुरंत बाला ज्वेलर्स के लिए निकल जाता है, पर बाला ज्वेलर्स में बहुत सारे लोग थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चोर कौन है। तो आप ही बताइए दोस्तों, उसे कैसे पता चलेगा कि असली चोर कौन है, सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जे ने ध्यान से देखा, सभी लोग गहने देख रहे थे, बस एक ही आदमी गहने नहीं देख रहा था बल्कि उन्हें देने के लिए खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गया कि ये वही चोर है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और रोहन को भी उसका सारा सामान वापस कर दिया। डिटेक्टिव जे केस सॉल्व द केस। एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था, वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है, इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब, दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिसे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा, वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे, उनकी फीस है, तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है,
अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओ, ये क्या, मेरा दांतों में दर्द हो रहा है। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है, आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा, तुमने बहुत अच्छा काम करी हो, कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है, मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उसे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है, तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3-स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में दो बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं, सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं, इनको खा के अपने बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है, चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं, ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है, इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ, इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। आह, मेरे दांत। तो टिल्लू कहता है, ओ, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ। तो पीलू कहती है, कालू जी ये आपके माँ पिताजी है, मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे। टूनी सुंदरवन नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी, वो भी बस में, लेकिन तभी उसका मन अजीब सा हो जाता है और वो अपने पति खालू से कहती है, सुनिए जी, मेरा मन अजीब सा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे उल्टी हो सकती है। अरे नहीं टूनी, तुम्हारी किस भी उल्टी मत करना, रुको मैं अभी कुछ देखता हूँ। थोड़ी आगे जाकर एक ढाबे पर उनकी बस रुकती है और कालू बस से उतरकर नीचे एक दुकान पर जाता है और कहता है, आंटी जी, हाजमोला या हिंगोली होगी क्या आपके पास। हाँ हाँ बेटा, हाजमोला है, रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। वो औरत उसे कुछ पैकेट हाजमोला के दे देती है और कालू वो पैकेट ले जाकर टूनी को दे देता है और टूनी जैसे ही हाजमोला खाती है उसका मन
ठीक हो जाता है और वो कालू से कहती है, अरे ये गोली तो बहुत अच्छी है, इसको खाते ही मेरा जी मिचलाना भी कम हो गया, क्या है जी ये? ये हाजमोला है टूनी, उल्टी, पेट खराब, गैस, दर्द, पेट दर्द, इसमें सबको तो हाजमोला थी, इसलिए वो हाजमोला खा लेती है और उसे बहुत आराम मिलता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और तभी उसकी सास उसके पास आती है पेट पर हाथ रखे हुए। अरे माँ जी आपको क्या हुआ? क्या बताऊँ बहू, कल मैंने दबा के छोले भटूरे खा लिए थे, अब बस वही दर्द कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, इसका तो इलाज है मेरे पास, ये लो माँ जी। टूनी चुनमुन को एक पैकेट हाजमोला देती है और उसकी सास वो हाजमोला खा लेती है और उसके पेट दर्द को आराम होता है। और अपनी सास को हाजमोला खाते देख एक पैकेट टूनी भी खा लेती है। ऐसे ही अब टूनी हर दिन हाजमोला खाने की आदत हो जाती है, वो जो कुछ भी खाती उसके बाद हाजमोला जरूर खाती। उसके कमरे में कम से कम 50 पैकेट तो हाजमोला के मिल ही जाते। वो अपनी जुबान पर हाजमोला रख कर उसके चटकारे ले लेकर खाती। अब वो घर का जो भी काम करती वो उसी समय हाजमोला खाती रहती और चटकारा ले लेकर। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने पति के साथ बैठकर टीवी देख रही थी तभी वो एक जोरदार पाद मारती है। पहले तो कालू कुछ नहीं कहता लेकिन फिर एक के बाद टूनी पाद मारती ही जाती है और फिर कालू गुस्से से कहता है, टूनी हाथ है, तुमने मुझे शौचालय समझ रखा है क्या? और ये क्या है, पूरे दिन हाजमोला ही खाती रहती हो? अरे इतना भी हाजमा खराब नहीं है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आगे से अगर तुमने फिर कभी ये हाजमोला खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी हाजमोला नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है इस बार माफ कर देता हूँ लेकिन आगे से नहीं करूँगा।